नमस्कार गाइस, आज हम बनाएंगे ठंडी रोटी के गुलाब जामुन। ठंडी रोटी के गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको सारी सामग्री हमारे घर में उपलब्ध हो जाती है, जैसे कि मिल्क, पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी ना हो तो आप चीनी को मिक्सी में चला लीजिए और छान लीजिए। घी तलने के लिए, और ये हमारी ठंडी रोटी जो सुबह बच गई थी इनको मैंने सुखा दिया था। आप चाहो तो, अगर ये नरम हो तो आप चाहो तो तवे के ऊपर, तवे को गरम करके रोटी को थोड़ा सा कपड़े से गोल गोल घुमा के और सेक लीजिए, तो ये कड़क हो जाएगी। अब हम इन रोटी को इस तरीके से तोड़ लेंगे। तोड़ के हम बारीक मिक्सी को चला के इसको बारीक कर लेंगे, ना तो ज्यादा मोटा और ना ज्यादा बारीक। अब हम इसको मिक्सी को चलाते हैं। यह हमारा हो चुका है। अब हम इसको हमारे एक बड़े से बाउल यानी प्याले में निकाल लेंगे। ये देखिए, न तो ज्यादा मोटा है न ज्यादा बारीक है। अब इसी तरह से हम इन रोटी का भी ऐसा ही बना लेंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारा पीस के हमने रेडी कर लिया। अब इसमें हम दूध मिलाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इसको आटे को गूंथते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए गाइस, हमारा, मैं आटा लगा रही हूँ, इतने में हम हमारा चाशनी रेडी करते हैं। हम बूरा डालेंगे 2 कटोरी, और उसके बाद में हम इसमें वाटर डालेंगे। हमें हमारे इस रोटी के आटे को लगाना है, एक अच्छा सा चिकना सा बनना चाहिए, तब जाके हमारी गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे। चाशनी हमारी बनके तैयार है। अब हम हमारे गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए पैन में घी चढ़ाएंगे, और इस चाशनी को हम ढककर रख देंगे। हम इस तरीके से बनाएंगे, बीच में हथेली में घी लगा लेंगे, छोटा सा पोर्शन तोड़ेंगे, और इसको, ये देखिए कितना चिकना हमारा बन के तैयार हुआ है, और देखिए ये देखिए कितने चिकने हमारे बन के तैयार हुए हैं। देखिए अब ये मैं बना रही हूँ, ये इसको अच्छे से करके, इसको अच्छे से चिकना कर देंगे। आप कोई से भी शेप एंड साइज का बना सकते हो। इसी तरह से मेरे ये भी बन जाएंगे। अभी हो गया है, गैस को हम सिम कर देंगे, और हमारे गुलाब जामुन हम फ्राई करेंगे। वन बाय वन डालेंगे इनको। ये एक साथ नहीं डाले जाते, थोड़े थोड़े करके डाले जाते हैं। एक तरफ से हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम उल्टा करेंगे। ये देखिए कलर आने लग गया है इनमें। ये देखिए, अब हमारे सारे गुलाब जामुन हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इनको गरम गरम ही हमारी चाशनी में डाल देंगे। इस चाशनी में गाइस हम इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं जब ये उबलती है, और इसमें आप केसर के लच्छे भी आप डाल सकते हो, बट मैंने ये दोनों ही चीजें अवॉइड करी है। अब इसको हम 10 या 12 मिनट का रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे ये गुलाब जामुन बनकर तैयार है।
कौन इसको बोलेगा कि ये ठंडी रोटी के गुलाब जामुन है। आप देखिए कितना मस्त कलर आया है और कितने अच्छे हमारे ये गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। आप अगर चाहो तो जब इसका आटा लगा रहे हो, आप जब इसको हमने पीस के और बाउल में लिया और इसका आटा लगा रहे थे, आप चाहो और आपका शेप नहीं आ रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच सूजी डाल लेना। सूजी नहीं डालो, आपके पास सूजी नहीं है तो मैदा डाल लेना 1 चम्मच। मैदा भी नहीं है तो आप 1 चम्मच इसमें आटे की डाल सकते हो। लेकिन ये मेरे कुछ भी मैंने इसमें डाला नहीं है, केवल ये ठंडी रोटी हमने इसका मिक्सर बनाया है और इसके मैंने गुलाब जामुन बनाया है। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितने सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए आप, कौन कहेगा इनको ये ठंडी रोटी के गुलाब जामुन है। ये देखिए, ये आज मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो, आज का जो मेरा वीडियो है ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज।